नंबर 18 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और ऐसा मैं इंट्रोडक्शन में आपको करा भी चुका हूं शायद, और नहीं कराया तो आप देख लीजिए, ये e की पावर x है और यहां पर मैंने फॉर्म रब कर दिया है एक्चुअल में e की पावर x इंटीग्रल ऑफ e की पावर x और ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x का जो आंसर आता है, ये जो थ्योरम हमने आपको पढ़ाई थी, प्रूफ भी करके दिखाया था, इसका आंसर आता है e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस c, ठीक है। तो ऐसा तो बच्चों को दिख नहीं रहा है अभी, e की पावर x तो बाहर दिख रहा है बट अंदर कुछ नहीं दिख रहा है कि फंक्शन लिखा हो, पहले एफ ऑफ एक्स लिखा हो प्लस उसका डेरिवेटिव लिखा हो। तो हम एक काम करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का बच्चों हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का अगर मैं हेल्प लूँगा तो सबसे पहले इस फंक्शन को चलो सुधार लेते हैं, ठीक है। देखो e की पावर, अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ तो मैं बाद में करूँगा, e की पावर x इंटू क्या लिखा है, 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब क्लास 11 में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी उसका यूज़ करते हैं। देखिए बच्चों, एक तो आपको आइडेंटिटी पता है क्या, साइन 2 थीटा क्या होता था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम थीटा को हाफ़ कर दें मतलब इधर हमने थीटा को हाफ़ करने का मतलब बात समझो, अगर हम इसका हाफ़ कर दें, यहाँ पे एंगल हाफ़ कर दें, साइन का एंगल क्या है 2 थीटा, 2 थीटा का हाफ़ करो थीटा, तो इधर भी एंगल हाफ़ हो जाते हैं, यानी कि थीटा का हाफ़ थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा का हाफ़ थीटा बाय 2, यानी कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ओके। तो अगर थीटा की जगह हम x लिख दें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, साइन x इज इक्वल्स टू 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। ये हम कई बार आपको बता चुके हैं, जो बच्चे इस चैनल से पढ़ते हैं उनको ये पता होगी बात, ओके। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको बच्चों कई बार बताया हुआ है। अब देखो बच्चों, 1 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, थीटा m हो सकता है, थीटा 30 डिग्री हो सकता है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1 ही होगा। अब साइन स्क्वायर कुछ भी हो सकता है का मतलब x बाय 2 भी तो हो सकता है, साइन का एंगल x बाय 2 भी तो हो सकता है, और प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2, भाई चेक करो थीटा की जगह x बाय 2 आ गया तो कौन सा कद्दू में तीर लग गया, साइन स्क्वायर थीटा। बस शर्त ये है कि साइन स्क्वायर के साथ जो आना चाहिए वही कॉस स्क्वायर के साथ आना चाहिए, ठीक है। तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये जो 1 लिखा है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। तो 1 की जगह हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और प्लस, ध्यान दें, साइन एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 इंटू साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ऐसा कर सकते हो। और अपॉन में देखिए क्या करेंगे, अपॉन में बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और भी होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, बट हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे बिकॉज ये पॉजिटिव जो 1 है इसको हमको हटाना है यहाँ से। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम इधर एंगल हाफ कर दें, यानी कॉस के साथ जो एंगल है क्या है, 2 थीटा को हाफ कर दो थीटा हो जाएगा, तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब थीटा की जगह हम x लिख दें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, यानी कि कॉस x इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। तो यही हमने किया, ये वाला जो प्लस 1 लिखा है बच्चों इसको तो हमने ऐसे ही लिखा, और प्लस कॉस x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। ये वाले 2 से 2 को कैंसिल मत कर देना, ये कॉस स्क्वायर का एंगल है x बाय 2, और ये 2 मल्टीप्लाई है किस में, कॉस स्क्वायर x बाय 2 में, ओके। तो ये अब देखो, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास e की पावर x इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी बन रहा है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या, तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा बिहेव कर रहा है, चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह क्या आ जाएगा एक्स साइन एक्स बाय 2 और बी की जगह क्या आ जाएगा कॉस एक्स बाय 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह साइन एक्स बाय 2 और प्लस बी की जगह कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अगर आपका मन हो आप इसको एक्सपेंड कर लो, चलो यही तो आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ओके ये हो गया, चलो बहुत बढ़िया। और डिवाइडेड बाय, बच्चों ध्यान चेक करिए क्या बचेगा आपके पास, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ऐसा आ गया। अब क्या करें सर, तो एक काम करिए, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप थोड़ा सा गौर करिएगा, देखिए ये अपॉन में बच्चों 2 है, अगर हम इसको ऐसा लिख दें तो 1 अपॉन 2 इंटू साइन एक्स बाय 2 और प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए,
चेक कर लो भैया, इस पूरे में 2 से डिवाइड है, इसका मतलब क्या है कि इस पूरे में आगे 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब एक्चुअल में इसको अगर हम 2 को छुपा दें तो इस पूरे में ही क्या है 1/2 से मल्टीप्लाई है, चेक करो, है ना। थोड़ा सा ऐसे लिख दो तो क्लियर हो जाएगा आपको, ये देखिए ये ऐसे सही है, है ना। अगर आप 1 को इस ऊपर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, और नीचे 2 को करोगे cos square x by 2 तो 2 cos square x by 2 तो वापस वैसा ही मिल जाएगा, बस हमने इसको ऐसा लिख के आपको दिखा दिया। अब क्या करें सर, अब देखो चाहिए ये e की पावर x इंटू 1/2 इंटू साइन x by 2 प्लस cos x by 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय cos square x by 2, तो ये जो 1/2 है सब कुछ तो मल्टीप्लाई है, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1/2 को आप आगे लिख लो, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा देखो 1/2 को हमने बाहर लिख लिया, ठीक है, तो 1/2 इंटू ई की पावर एक्स इंटू, अब ध्यान दीजिए क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास बचा क्या कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, ऐसा बचा, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर एक्स इंटू, एक बात बताओ बच्चों, देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू है, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू को आप कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। अरे भाई देखो, अगर कॉस स्क्वायर थीटा है कहीं तो आप इसको कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर कॉस को ही तो मिलेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स थीटा हो जाएगा। यही हमने यहाँ पर भी किया है, क्या कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू था तो कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर हमने कर दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये बात बताओ, ये ऊपर भी जो भी लिखा है क्या लिखा है साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, और नीचे भी कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर है, मतलब अगर कहीं ऐसा लिखो भाई ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, तो आप बोलते हो कि सर इसको ए बाय बी का होल स्क्वायर कर दो, है ना। तो वही काम करते हैं, ए की जगह क्या है ये पूरा है साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू, बी की जगह क्या है कॉस एक्स बाय टू, तो ये लिखेंगे पहले, यानी क्या लिखेंगे साइन एक्स बाय टू और प्लस कॉस एक्स बाय टू, कॉस एक्स में टू से डिवाइड है, कॉस पूरे में मत कर देना, समझो ऐसा मत कर देना भैया, साइन एक्स बाय टू मत कर देना, एक्स में डिवाइड है ओनली टू का। तो देखो जरा क्या हो गया, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू लिख दिया हमने, मतलब ये पूरा कैसा बिहेव कर रहा है ए जैसा ए, और ये पूरा कॉस एक्स बाय टू बी जैसा, तो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर हमें करना है, तो ए अपॉन बी और इस पूरे ब्रैकेट पर हमने स्क्वायर लगा दिया, ओके कोई डाउट है, क्यों, क्योंकि भाई अगर स्क्वायर दोगे तो इस पूरे को भी दोगे और नीचे वाले को भी दोगे, वापस वैसा ही हो जाएगा, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर लिया, तो हम आपको दिखाते हैं ऐसा क्यों कर लिया, देखिए अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं आगे, नाउ स्टूडेंट्स आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो ये सिंप्लीफाई करते करते कहाँ तक आ गया था, 1/2 इंटू ई की पावर एक्स, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, कितना आ गया 1/2 इंटू ई की पावर एक्स और इन द ब्रैकेट साइन एक्स बाय टू और प्लस कॉस एक्स बाय टू एंड होल डिवाइडेड बाय वॉट, होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय टू, कॉस एक्स बाय टू और इसका स्क्वायर, ओके। अब देखिए जरा हो जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर एक्स, अब देखो इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, मतलब देखो चेक करो यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा लो क्या चला जा रहा है, ठीक साइन एक्स बाय टू में भी कॉस एक्स बाय टू डिवाइड करेगा, भाई पूरे में डिवाइड ना इसके सम में, अगर ऐसा लिखा हो मान लो ये 2+3 डिवाइडेड बाय 5 तो क्या हो जाएगा 2/5 और प्लस 3/5 भी तो हो जाएगा, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो तो इसको भी कर दो, क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू और प्लस कॉस एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू और पूरे पे होल स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर एक्स, और ध्यान दें साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन, लेकिन एंगल दोनों के सेम होने चाहिए, सेम एक्स बाय टू तो साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू क्या हो जाएगा टैन ऑफ एक्स बाय टू और प्लस, देखिए कॉस एक्स बाय टू कैंसिल हो गया 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा और ये होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर आप क्या कर लो, आप आइडेंटिटी लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू, तो टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू और प्लस बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर वन और प्लस टू इंटू ए इंटू बी यानी कि टू इंटू टेन एक्स बाय टू इंटू वन, टू इंटू टेन एक्स बाय टू इंटू वन यानी कि अब देखो टू इंटू टेन एक्स एक्स बाय टू, टेन एक्स बाय टू इंटू वन टेन एक्स बाय टू होगा इंटू टू यानी कि टू इंटू टेन एक्स बाय टू यानी कि टू टेन एक्स बाय टू हो जाएगा, ये तो टू टेन एक्स बाय टू हो गया ये सही है। ओके अब क्या करें सर, कॉपी करिए इतना फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, कॉपी करिए। अब देखिए बच्चों, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी क्लास टेंथ में, किससे के स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ओके देखिए आपने पढ़ा था क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब थीटा की जगह तो कुछ भी हो सकता है, अगर थीटा की जगह हम एक्स स्क्वायर बाय टू ले लें तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू वॉट, वन प्लस टेन, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस वन भी तो लिख सकते हो, तो ये पूरे की जो वैल्यू है वो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू है, यही करेंगे यहाँ पर। तो देखो इसी को सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते करते हम लोग पहुँच गए वन पॉइंट टू इंटू ई की पावर एक्स और इन द ब्रैकेट। अब देखो ये पूरा कितना हो गया, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस वन की जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू और प्लस देखो ये पूरा हो गया कितना, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू इंटू टेन एक्स बाय टू, तो टू इंटू टेन एक्स बाय टू सही है। अब क्या करें, अब देखिए एक काम करिए, ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू, एक काम करो क्या करें, वन अपॉइंट टू को अंदर भेज दो, अभी पता चलेगा क्यों भेज रहा हूँ। देखो e की पावर x को बाहर रहने दो, वन अपॉइंट टू से अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी करेगा और यहाँ भी करेगा, तो क्या हो जाएगा वन अपॉइंट टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू। कुछ बच्चे तो होंगे वन अपॉइंट टू को उठा के एक्स बाय टू में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों कर दोगे भैया, सेक स्क्वायर का ये क्या है एंगल है, तो ऐसा नहीं वन अपॉइंट टू लाया और टू टू था यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाय फोर कर दिया, नहीं वन अपॉइंट टू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू के पूरे वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा आगे लिखोगे। और प्लस ध्यान दें स्टूडेंट्स, वन अपॉइंट टू यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, किस में मल्टीप्लाई करेगा, टू टेन एक्स बाय टू में, कौन मल्टीप्लाई करेगा, वन बाय टू आएगा तो करेगा, ठीक मल्टीप्लाई। अब देखो जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये टू से टू कैंसिल हो गया और यहाँ हो जाएगा आपके पास e की पावर x और ब्रैकेट में ध्यान दें स्टूडेंट्स, वन अपॉइंट टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू। ओके और प्लस टेन, देखो यहाँ वन बचा, वन का कोई मतलब है नहीं क्योंकि वन इंटू टेन एक्स बाय टू, टेन एक्स बाय टू हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो e की पावर x इन द ब्रैकेट, इसको आप पहले लिख लो भाई, टेन एक्स बाय टू पॉजिटिव भी तो है तो पहले लिख लो, कुछ चला तो जाएगा नहीं, टेन एक्स बाय टू और चेक करो ये क्वांटिटी भी कैसी पॉजिटिव है यानी कि प्लस का, वन अपॉइंट टू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू। अब ये आ गया आपका कौन सा टाइप, ये वाला टाइप आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, तो टेन एक्स बाय टू क्या है एफ ऑफ एक्स है और टेन एक्स बाय टू का जो डेरिवेटिव होता है वन पॉइंट टू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू होता है, ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा क्या, ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका यहाँ टेन एक्स बाय टू, टेन एक्स बाय टू और प्लस सी, तो यही आपका आंसर है, आप ऐसे ही कर दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखो बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, भैया देखो टेन एक्स बाय टू का अगर डेरिवेटिव करोगे ना, मतलब लेट कर लें अगर क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स बाय टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, टेन टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बोलो, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन एक्स बाय टू का क्या होगा, पहले पूरे का करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू एक्स बाय टू का डेरिवेटिव एक्स का स्क्वायर वन पॉइंट टू हो जाएगा, वन पॉइंट टू को आगे ले आओ तो वन पॉइंट टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू ही तो हो जाएगा, पसंद नहीं कि नहीं आई, तो इस तरीके से करेंगे। ओके बच्चों नाउ स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल आंसर है ई की पावर एक्स टेन एक्स बाय टू और प्लस सी, तो आप देख लीजिए।